Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Polynomials. Write the following cubes in expanded form. 2a minus 3b whole cube. So, यहाँ पर हमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है a माइनस b का होल क्यूब, या हम इसको x माइनस y का होल क्यूब भी लिख सकते हैं. तो हमारी आइडेंटिटी होगी x माइनस y का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. अब सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे. तो यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब. तो हमारे पास जो x आ गया वो क्या आ गया, 2a आ गया, और y क्या आ गया, y आ गया हमारे पास 3b, राइट. सो अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे 2a माइनस 3b का होल क्यूब में. तो x क्यूब मतलब कि 2a का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई है 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3x, x है हमारे पास 2a, y मतलब कि 3b एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई मतलब 2a माइनस 3b, राइट. 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 8a क्यूब, माइनस का साइन आएगा. 3 का क्यूब, देखो 3 इंटू 3 मत कर देना, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, मतलब तीन बार 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 बी की पावर 3, माइनस 3 इंटू 2 ए इंटू 3 बी, तो माइनस के साइन के साथ 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 3 18 ए बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 ए माइनस 3b, राइट. देन 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 18ab 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है तो माइनस के 18 इंटू 2 दैट इज 36, a इंटू a तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b, राइट. अब ये माइनस के 18ab किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3b से, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 18 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 54, a और b दो बार है तो b स्क्वायर, मतलब हमारा बेसिकली यही हमारा आंसर हो गया, राइट. ये क्या हो गया हमारा आंसर. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.